दोस्तों, इंसानों ने जब से इस दुनिया को देखना चालू किया है, इस ब्रह्मांड को देखना चालू किया है, तो कुछ चीज़ों ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया है। जैसे कि हमारा सन, मून, स्टार्स, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी कि ये समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। अब वो आसमान में उड़ते हुए पंछियों को भी देखते थे, वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। और इंसान हमेशा से ये चाहता था कि वो ऐसी चीज़ों को बनाए जो कि अपनी पोजीशन चेंज करती हो। खैर, आज हम इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुके हैं। हम एरोप्लेन का यूज़ करके काफ़ी बड़े बड़े डिस्टेंस को काफ़ी कम टाइम में कवर कर लेते हैं। हम स्पेस में सैटेलाइट्स को भेजते हैं। हम मंगल पर जाने की सोच रहे हैं। लेकिन आखिर इस टेक्नोलॉजी को अचीव करने में हमको इतना समय क्यों लग गया? जवाब काफ़ी आसान है। हमारे पास इन चीज़ को बनाने की साइंस मौजूद नहीं थी। हमारे पास इनको बनाने की मैथमेटिक्स मौजूद नहीं थी। इक्वेशंस मौजूद नहीं थी। अगर आप इस ब्रह्मांड को देखो तो सभी चीज़ आपको चलती हुई नज़र आएंगी। आपने स्मॉलर क्लासेस में यह पढ़ा भी होगा कि इस दुनिया में परफेक्ट रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सभी चीज़ें मोशन में है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे, मूव करे, उसके लिए हमको एक ऐसी साइंस की ज़रूरत होगी जो कि चेंज का डिस्क्रिप्शन हमको दे। हमको मैथमेटिक्स ऑफ चेंज की ज़रूरत होगी। हमको एक ऐसी टूल की ज़रूरत होगी जो कि चेंज की जानकारी हमको दे। और आप सब जानते ही हैं, वो मैथमेटिकल टूल है कैलकुलस। अभी इस टूल का इस्तेमाल फिजिक्स में सबसे पहले किया गया था, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर हम चेंजेस की स्टडी करते हैं। तो चलिए आज हम इसी मैथमेटिक्स ऑफ चेंज को थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जानते हैं कि आखिर इसकी नीड इंसानों को क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रीक सिविलाइजेशन के टाइम पर लेकर चलता हूँ। इन्होंने हमको ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने हमको शेप्स के बारे में बताया। लेकिन अरिस्टोटल ये मानते थे कि इन ज्योमेट्रिकल शेप्स से, लाइक सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इनसे हम अपनी यूनिवर्स को मॉडल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर यूनिवर्स इन ज्योमेट्रिकल शेप से बना होता तो वो एक काफ़ी आइडियल यूनिवर्स होता, एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स होता, उसमें कोई भी इरेगुलर शेप नहीं होते। लेकिन आप ये बात काफ़ी अच्छे से जानते हो कि किसी ज्योमेट्रिकल शेप से हम यूनिवर्स में होने वाले इवेंट्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मतलब उस समय ज्योमेट्री मैथमेटिक्स ऑफ चेंज को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। उस समय मैथमेटिक्स से आप यूनिवर्स में होने वाले इवेंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये बात सामने आने लगी कि मैथमेटिकल टूल से आप यूनिवर्स को मॉडल कर सकते हो। अभी मैं आपको 17वीं शताब्दी में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात एक फ्रेंच फिलोसोफर से कराता हूँ। इनका नाम है रेने डिकार्ट्स। दरअसल डिकार्ट्स हमेशा ये सोचते थे कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। उन्होंने एक आइडिया सोचा। उन्होंने दो लाइन बनाई, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन को उन्होंने अपना रेफरेंस फ्रेम माना। उन्होंने इसको ओरिजिन माना, जिसके कोऑर्डिनेट 0.0 थे। इस रेफरेंस से आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को नाप सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है जो कि समय के साथ मूव कर रहा है। तो मान लीजिए उसकी इनिशियल पोजीशन है, मान लीजिए 5.20। कुछ समय बाद उसकी पोजीशन हो जाती है 10.20, देन 15.20, देन 20.20। मतलब आपने उस पॉइंट की पोजीशन को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो इस तरह से देखिए, उन्होंने हमको कार्टेशियन प्लेन दिया, और कार्टेशियन प्लेन ने जो हमारे सामने कई सौ सालों से प्रॉब्लम चल रही थी ज्योमेट्री और एलजेब्रा के बीच, उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ज्योमेट्री और एलजेब्रा जिसको हम अलग अलग पढ़ते थे, कार्टेशियन प्लेन ने उनको इकट्ठा कर दिया। एलजेब्रा हमको इक्वेशंस देता है और ज्योमेट्री हमको शक्लें देती है, शेप देती है। तो कार्टेशियन प्लेन का काम ये था, दरअसल ये हमको एलजेब्रा की शेप्स दिखाती थी, ये हमको एलजेब्रा की शक्ल दिखाती थी। जैसे वाई इक्वल टू एक्स एक एलजेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करो तो दरअसल ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मतलब कि अब आपके पास एक ऐसा टूल आ चुका है जिसके द्वारा आप किसी भी इक्वेशन, भले ही वो क्वाड्रेटिक हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो, या फिर पॉलीनोमियल इक्वेशन हो, उनको आप कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हो, उसको देख सकते हो। अभी जैसे कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एलजेब्रा वाली वीडियो में आपको बताया था कि पहले एलजेब्रा को हम वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में लिखते थे। जैसे कि यूक्लिड की आप इस डेफिनेशन को देखिए, जो कि सर्किल को डिस्क्राइब करती है, ये वर्ड फॉर्म में है। लेकिन जब हमने सर्किल की इक्वेशन को एलजेब्रिकली बनाया और उसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया, तो हमको पता लगा कि सर्किल का शेप कुछ ऐसा होता है।
तो मतलब यहाँ से आप ये देख सकते हो कि कार्टेशियन प्लेन के आने से मैथमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, वरना अभी तक मैथमेटिक्स को हम केवल शब्दों के फॉर्म में ही पढ़ते रहते, टेक्स्ट के फॉर्म में इसको पढ़ते रहते। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ 1646 में और आपकी मुलाकात एक जर्मन फिलोसोफर से कराता हूँ। इनका नाम था लेविनीज। दरअसल लेविनीज का सपना यह था वो किसी तरह से चेंजेस को मेजर कर पाए। उन्होंने एक बेसिक कैलकुलेटर को भी इन्वेंट किया जो कि कुछ बेसिक ऑपरेशन कर सकता था, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन वो एक ऐसा टूल बनाना चाहते थे जिससे कि वो मैथमेटिक्स के जरिए किसी भी चीज़ का फ्यूचर और उसके पास्ट को जान पाएं। और दरअसल जो टूल उन्होंने हमको दिया उनका नाम था इंटीग्रेशन। वेल, इंटीग्रेशन पर पूरी डिटेल में बात मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली आप किसी भी कर्व के नीचे के एरिया को कैलकुलेट करते हो, आप एरिया अंडर द कर्व को कैलकुलेट करते हो। अब क्योंकि आपके पास कर्व के एरिया को कैलकुलेट करने का कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करते हो, उस कर्व को छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हो और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना आपको आता है। एंड देन उन सारे रेक्टेंगल के एरिया को आपस में जोड़ देते हो। मतलब अगर कर्व चेंज हो रहा है तो कर्व के नीचे का एरिया भी चेंज होगा। तो इससे हम चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज को मेजर कर सकते हैं। तो जैसे इस इमेज को देखिए, यहाँ पर पहली इमेज में बड़े रेक्टेंगल का यूज़ किया गया, लेकिन फिर इन रेक्टेंगल्स को और स्मॉल पीसेस में काटा गया और फाइनली हमने काफ़ी स्मॉल रेक्टेंगल्स का यूज़ किया। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहली वाली इमेज में एक्यूरेसी कम है क्योंकि ये वाला एरिया अंडर द कर्व मिस हो रहा है। लेकिन जब हम छोटे रेक्टेंगल्स का यूज़ करते हैं तो कर्व में हमको एक स्मूथनेस दिखती है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एरर कम होने लगते हैं। इस लास्ट वाली इमेज को देखिए, इसमें एरिया अंडर द कर्व का आप एक काफ़ी अच्छा अप्रोक्सीमेशन देख सकते हो और इसका यूज़, इंटीग्रल का यूज़ हम फ्यूचर और पास्ट को मेजर करने में करते हैं। तो मतलब अगर आप इंटीग्रल करते हो तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर पास्ट में ये चीज़ ऐसी थी तो फ्यूचर में ये चीज़ कैसी होगी। और देखा जाए तो फिजिक्स में हम यही तो करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के पास्ट का रिकॉर्ड देखकर हम उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामने इंटीग्रेशन ज़रूर आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ही वो टूल है जो पास्ट एंड फ्यूचर को मेजर करता है। तो इस तरह आप चेंज को मेजर कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही साथ अब मैं आपकी मुलाकात आइज़ैक न्यूटन से कराता हूँ। दरअसल वो भी यही चाहते थे कि वो चेंज की स्टडी करें, वो चाहते थे कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें, लेकिन उनके पास कोई ऐसी मैथमेटिक्स नहीं थी जो कि चेंज को रिप्रेजेंट करे। दरअसल न्यूटन मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते थे जैसे किसी कॉमेट की ट्रैजेक्टरी या फिर कोई ट्री से फॉल होता हुआ एप्पल। तो वो इन चीज़ों को मैथमेटिक्स में मॉडल करना चाहते थे, पर उन्होंने ये पाया कि ऐसी मैथमेटिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसे मैथमेटिकल टूल को इन्वेंट किया जाए जो कि किसी भी पॉइंट पर चेंज को डिफाइन कर दे। जैसे अगर कोई एप्पल ट्री से गिर रहा है तो किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी स्पीड क्या होगी, ये चीज़ हमको इंटीग्रेशन नहीं बता सकती। ये चीज़ आपको एक दूसरा टूल बता सकता है जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। दरअसल डेरिवेटिव किसी भी गिवन पॉइंट पर स्लोप बताता है। डेरिवेटिव हमको इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करके देता है dy/dx। वेल, इसके ऊपर भी मैं पूरे डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, डेरिवेटिव इंटीग्रल की तरह ही एक और टूल है जिससे हम चेंजेस के बारे में पता लगाते हैं। तो मतलब इन टूल से हम उन सारी चीज़ों को मॉडल कर सकते हैं जो कि चेंज हो रही हैं। और इस चीज़ को न्यूटन ने अपनी बुक में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, द मेथड ऑफ फ्लक्सियंस में। तो मतलब न्यूटन ने कैलकुलस को इन्वेंट किया था, अब उन्होंने कैलकुलस को लेविनीज के साथ भी शेयर किया था। उन्होंने कुछ लेटर लेविनीज को भी लिखे जिसमें उन्होंने कैलकुलस को डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पर एक और बात थी कि लेविनीज भी स्टडी ऑफ चेंज पर काम कर रहे थे, वो भी इंटीग्रल पर काम कर रहे थे, और न्यूटन ने भी डिफ्रेंसिएशन को उस समय तक बना लिया था और उन्होंने लेविनीज से पहले इसको पब्लिश भी कर दिया था। उन्होंने बताया कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के चेंज को मेजर करने के लिए हमको उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है जो कि कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। पर अब यहाँ पर एक बहस ये थी कि न्यूटन ये कहते थे कि पहले उन्होंने डेरिवेटिव को खोजा है और कैलकुलस बनाई है और उन्होंने लेविनीज से पहले इसको पब्लिश भी किया है, पर लेविनीज ये बोलते थे कि उन्होंने इंटीग्रल को बनाया है, तो यानी उन्होंने भी कैलकुलस को डिस्कवर किया है
और वो दोनों ही चाहते थे कि कैलकुलस के राइट्स उनको मिले। अब ये केस उस समय रॉयल सोसाइटी के सामने पहुंचा और रॉयल सोसाइटी में बर्नौली बैठे थे। बर्नौली ने सभी फेमस साइंटिस्ट को एक प्रॉब्लम भेजी जो कि केवल कैलकुलस से ही सॉल्व हो सकती थी। तो क्वेश्चन ये था कि अगर किसी हाइट वाले ऑब्जेक्ट से आप एक बॉल को रोल करते हो और आपको उस बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाना है, तो वो कौन सी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेंगे, कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेंगे जिससे कि वो सबसे पहले नीचे पहुंच जाए? क्या वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक कर्व पाथ होगा, और कर्व पाथ होगा तो वो किस टाइप का कर्व पाथ होगा, या फिर कोई हाई डिग्री पॉलिनोमियल्स होंगे? दरअसल ये चीज़ केवल आप कैलकुलस से बता सकते हो। एंड न्यूटन ने जब उस लेटर को पढ़ा तो न्यूटन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और बर्नौली को वापस से रिप्लाई किया। न्यूटन ने मैथमेटिकली बताया साइक्लॉइड पाथ से वो बॉल सबसे पहले नीचे पहुंचेगी। उन्होंने साइक्लॉइड की इक्वेशन को भी बताया और जब इस चीज़ को चेक किया गया तो ये पाया गया कि न्यूटन सही थे। एंड देन न्यूटन को ही इन्वेंटर ऑफ कैलकुलस का टाइटल दिया गया। और आज हम ये बात काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि कैलकुलस का यूज़ कितनी सारी फील्ड में होता है। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।